एक अक्टूबर से सेबी ने वायदा कारोबार रात 11:55 तक करने की मंजूरी दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि बीएससी को वायदा कारोबार का समय बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीएससी के सीईओ आशीष चौहान से इसी बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। सेबी ने तो मंजूरी दे दी है भारतीय एक्सचेंजेस के टाइमिंग को बढ़ाने की, लेकिन भारतीय एक्सचेंज कितने तैयार है इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान। सर, हमें ये बताइए कि बीएससी कितना रेडी है, क्योंकि 11:55 रात तक चलेगा अगर इसी हिसाब से आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो, कितनी तैयारी है बीएससी की? बीएससी जो है एक गांधीनगर गिफ्ट सिटी में एक एक्सचेंज चलाती है जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। 2017 के जनवरी में वो एक्सचेंज चालू हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका उद्घाटन किया था। उस समय भी जो कार्यक्रम था कि सुबह 4 बजे वो चालू होगा और रात को 2 बजे तक, दूसरे दिन रात को 2 बजे तक चलेगा, तो बीच में सिर्फ 2 घंटे का ही एक तरह से विराम मिलेगा। तो 22 घंटा वो एक्सचेंज चलती है पिछले एक साल से अधिक, और उसमें कॉमोडिटीज, करेंसीज, इक्विटी डेरिवेटिव्स और बॉन्ड्स सभी का ट्रेडिंग होता है। तो उस हिसाब से आप देखिए तो बीएससी को एक अनुभव भी है, और सिर्फ इक्विटी डेरिवेटिव्स का नहीं है, कॉमोडिटीज डेरिवेटिव्स को भी चलाने का अनुभव 22 घंटा हर दिन को है। सर, सेटलमेंट बहुत जरूरी होता है, अगर किसी ने सौदे कर लिए तो फिर सेटलमेंट के लिए भी समय चाहिए, तो सेटलमेंट मैकेनिज्म इसमें कहाँ फिट बैठेगा फिर? जैसे आज कमोडिटीज़ में करीब पिछले 15 सालों से रात को 12 बजे तक ट्रेडिंग होता है, 11:55 PM तक, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर भी तो सेटलमेंट होता ही है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हम अपने दिमाग से सोच के एक तरह से सोचते हैं कि भाई इसका इतना भय होगा, जबकि दूसरे किसी ने सॉल्व कर चुका है, तो उसको हमने अनुकरण करना है, उसका अनुसरण करना है, और उस हिसाब से ये काम मुझे लग रहा है तय हो सकता है। भारत के जो छोटे ब्रोकर्स हैं वहाँ से ये एक आवाज़ उठ रही है कि इससे हमारा खर्च बढ़ जाएगा, हम इसके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे ब्रोकर्स को समझाने में बीएससी है आगे क्या कोई कैंपेन भी रखने वाली है? जो खर्चे की बात है तो करीब करीब बहुत कम खर्चे में ब्रोकर्स जो है लंबी अवधि तक एक तरह से सर्विस दे पाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर का कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है, हार्डवेयर का कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है, आजकल पूरा ही ऑटोमेशन हो चुका है, तो सभी ब्रोकर्स का भी ऑटोमेशन पिछले 20-25 सालों में हो ही चुका है। तो मुझे लग रहा है कि एक जो मानसिक तैयारी हम करते हैं, और जितने भी हमारे ब्रोकर्स हैं उसमें से करीब करीब 70-80% से भी ज़्यादा कमोडिटीज़ का कारोबार करते ही है, और वो लोग वहाँ पर उनके पास साधन भी है, उनके पास आदमी भी है जो इस तरह से रात को 12 बजे तक भी ट्रेडिंग करने के काबिल है।